अस्सलाम वालेकुम संगत जीएसएन, तो मैं हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग में आपको हम ले चलेंगे एक खूबसूरत गांव। मैं ये तो दावा नहीं कर रहा कि मेरा गांव जन्नत जैसा है, मगर जन्नत से कम भी नहीं। मुझे गांव छोड़े हुए 3 साल हो गए हैं। पिछले 3 सालों से मैं कराची में रह रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया है गाँव की जिंदगी और शहर की जिंदगी के बारे में। किसी के चंद अशआर हैं। दिल कुशादा है मेरा मेरे गांव की आंगन की तरह, तेरी सोचें हैं तेरे शहर की तंग गलियों जैसी। बेशक शहर में काफ़ी सहूलियात मौजूद हैं जो गांव में मैसर नहीं, मगर फिर भी गांव में जो सुकून है वो शहर में कहां मिले। शहर में रह के ऐसा लगता है कि दुनिया बड़ी फास्ट है, कब दिन हुआ कब रात कुछ पता नहीं चलता शहर में, मगर गाँव की ज़िंदगी में दिन ठहरा हुआ होता है। ऐसा लगता है कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक दिन गुजर रहे हैं। गाँव में तो हम इंतज़ार करते थे कि कब शाम हो और हम खेलने जाएं। गाँव की रातें बड़ी लंबी हुआ करती थी। रात गुजर जाए तो पूरा दिन यही सोचने में गुजर जाता था कि कब शहर जाएंगे, कब नौकरी मिलेगी और कब शहर में ज़िंदगी गुजारेंगे। अब जब शहर आ गए हैं तो याद आता है कि गाँव से ज़्यादा खूबसूरत कोई ज़िंदगी नहीं थी हमारी। इंसान चाहे दुनिया में कहीं भी रह ले, मगर उसे अपने गांव की याद ज़रूर आएगी। तो आइए अपने बचपन की ज़िंदगी को फिर दोहराते हैं इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में दिखाया गया है कि बचपन में कौन से खेल खेले जाते थे और गांव में कौन कौन से फसल होते हैं और कैसे एक किसान काश्त करते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को कम से कम एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जिसके साथ आपने गाँव में बचपन गुजारा हो। यूँ तो गांव में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, मगर उनमें से चंद खेल आपके पेश नज़र हैं, मुलाहिजा कीजिए। इन खेलों के नाम मुझे उर्दू में तो नहीं आते, मगर फिर भी आपको देख के अच्छा लगेगा और आपने ज़िंदगी में एक बार ज़रूर खेले होंगे। अगर आपको इन खेलों के नाम उर्दू में आते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में लिख दें, और अगर आपने इनमें से कोई भी एक खेल खेला है तो वो भी ज़रूर बता दें। अगर सारे खेले हैं तो फिर भी कमेंट्स में ज़रूर हमें आगाह करें। ये सिंध की ट्रेडिशनल गेम है जिसे मलाखड़ो कहा जाता है। ये सिंध में काफ़ी पॉपुलर गेम है और हर जगह खेली जाती है। अब चलते हैं फसलों की तरफ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फसल होते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर जो होता है गन्ने का फसल हो गया, केले का फसल हो और गंदम और चावल का फसल भी बड़ा बहुत ज़्यादा मकदार में होता है। अभी इस वक्त गन्ने की कटाई हो रही है। गन्ने की कटाई हमेशा सर्दियों में होती है। गन्ने की कटाई सर्दियों में शुरू की जाती है और सिंध में सर्दियां नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाती हैं। गन्ने की कटाई मुसलसल 1 महीना जारी रहती है और फिर इस गन्ने को मिलों में भेजा जाता है और वहां पे चीनी बनाई जाती है। और अब आपको दिखाते हैं कि पुराने ज़माने में हल कैसे चलाया जाता था। अब तो उसकी जगह ट्रैक्टर ने ले ली है। पुराने ज़मानों में अक्सर बैलों के साथ हल चलाया जाता था। हमारे गांव में तो आज भी इसी तरह ही हल चलाया जाता है, मगर साथ वाले काफ़ी गांव एडवांस हो चुके हैं। काफ़ी हद तक बैलों की जगह ट्रैक्टरों ने ले ली है, मगर अभी भी कुछ बैलों के शौकीन हैं जो आज भी उसी तरह अपने बैलों को पालते हैं और खिलाते हैं, पिलाते हैं और खुद से भी ज़्यादा उनका ख्याल रखते हैं। बैलों को पुराने ज़माने में काफ़ी अहम समझा जाता था क्योंकि ये किसान का साथी होता है।
जिस तरह किसान मेहनत करता है, बैल भी उसी तरह उसकी मेहनत में हिस्सेदार होते हैं। इसी ही एक वजह से किसान बैलों को अपने बच्चों से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करता है, क्योंकि बैल खुश होंगे तो किसान के बच्चे भी खुश होंगे, और अगर किसान खुश होगा तो फसल खुशहाल होगी, तो फसल अगर अच्छी होगी तो शहर भी आबाद होंगे। यही किसान की ही मेहनत है जिससे शहर आबाद होते हैं और सारे शहरों तक खाना पहुंचता है। अब डिजिटल दौर आ गया है जिसकी वजह से किसान को काश्त बहुत महंगी पड़ती है। काफ़ी हद तक किसान का काम आजकल मशीनरी कर रही है, जिससे साइंसी तौर पर तो बड़ा फ़ायदा है और काम भी बहुत जल्दी हो जाता है, मगर किसान का क्या होगा ये कोई नहीं सोच रहा, हर कोई अपना फ़ायदा सोच रहा है। यही वो एक वजह है जिस वजह से काफ़ी किसान अपना काम छोड़ के, ज़मीनें छोड़ के शहर की तरफ आ रहे हैं, जिसका नुकसान पूरे मुल्क को हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कम से कम अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पे इख्तिताम, और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।